नमस्कार दोस्तों, केवीएस टीजीटी हिंदी की श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। एक बार आज हम लोग पढ़ेंगे वसंत भाग 3 पाठ्यपुस्तक से चैप्टर नंबर 4 दीवानों की हस्ती भगवती चरण वर्मा जी द्वारा लिखित बहुत ही अच्छी कविता जिसमें जीवन का एक सार है वो हम लोग देखेंगे। तो जो लोग पहली बार चैनल पे हैं सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर जरूर कर दें अपने मित्रों के साथ में। चलिए समय न व्यर्थ करते हुए एक बार हम पूरा पहले कविता पढ़ लेंगे, उसके बाद में फिर इसका भावार्थ आपको एक एक पैराग्राफ पढ़ के बताएंगे। तो शुरू करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। आए बनकर उल्लास सभी, आंसू बनकर बह चले सभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले, किस ओर चले, यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, दो बात कही, दो बात सुने, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख 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 दुख के घूंटों का हम एक भाव फिर से पिए चले, हम भिख मंग स्वच्छंद दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाला, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम लड़ अपने बंधन तोड़ चले। भगवती चरण वर्मा, इस तरीके से ये लाइनें हैं और जो जीवन में बहुत कुछ संदेश देती हैं। तो चलिए इसका भावार्थ देखते हैं और कविता दोहा सोठा चौपाई रोला छंद छप्पे जो भी आप पढ़ते हैं उसका एक भाव होता है, अगर वो उसी भाव में पढ़ा जाए तो उसकी बात अलग होती है। तो जब भी आप लोग पढ़ें इस चीज को तो उसी भाव में पढ़ने की कोशिश करिए, तो आपको एक अलग ही आनंद आएगा। कोशिश करिए, कुछ शब्द कठिन हो सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग पढ़ नहीं सकते। मैंने बहुत लोगों को सुना है कहते हुए कि मैं रामायण नहीं पढ़ पाता क्योंकि अवधि है, पढ़ इसलिए नहीं पाते क्योंकि आपने कभी प्रयास ही नहीं किया, कुछ है नहीं उसमें, अवधि का कुछ ऐसा नहीं है जो आप ना पढ़ पाए, बस एक बार प्रयास करिए दूसरी बार आ जाएगा। चलते हैं टॉपिक पर। हम दीवानों की मस्ती क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। वर्मा जी, भगवती चरण वर्मा जी कहते हैं कि हम दीवाने हैं, हम लोग दीवाने हैं और हम लोगों की हस्ती क्या है, हम लोग आज यहाँ हैं और कल कहीं और चलेंगे, मस्ती का आलम साथ चला, कह रहे हैं कि हम लोग जैसे भी हैं, कमजोर हैं, कमजोर हैं, बेसहारा, लाचार, भिखमंगे जो भी हैं, तो हम अपनी इस स्थिति में सुख में हैं और हमारे साथ जहां भी जाते हैं मस्ती साथ में होती है और हम लोग धूल उड़ाते जाते हैं, मतलब मस्ती करते हुए जाते हैं कि हमें फिक्र नहीं होती। हमें आए बनकर उल्लास अभी, उल्लास मतलब होता है हंसी प्रशंसा, ठीक है। मस्ती का आलम का मतलब है, आलम मतलब एक तरीके का समय। आए आए बनकर उल्लास अभी, उल्लास का मतलब सुखी होती है, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहां चले, कह रहे कि आंसू अब आए बनकर उल्लास अभी, कह रहे अभी अभी जो है बहुत ही खुशी का क्षण बनकर आए थे और अभी अभी आंसू बहकर चले गए, सब कहते हैं रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले, सब कहते ही रह गए कि अरे तुम तो अभी आए और अभी कहाँ चले। तो ये दो पैराग्राफ का आपका भावार्थ हो गया। आगे देखते हैं, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपनी ओर चले, ना कि किस ओर चले, यह ओर चले यह मत पूछो, मत पूछिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, चलना है जीवन का एक लक्ष्य इसलिए चल रहे हैं, और जग का उसको कुछ लिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग कुछ मतलब कि हम कैसे हैं, हम कैसे हैं, हम जिस भी रास्ते से, जिस भी शहर से, जिस भी गली से गुजर रहे हैं, उस गली से, वहां से, उसके संस्कार, उसकी वेशभूषा, उसकी जो भी क्रियाकलाप है वो सब लेकर के चल रहे हैं, और अपना जो भी वेशभूषा है, जो भी अपना रहन सहन है, जो भी ढंग है हमारे और जो भी हमारे संस्कार है वो हम दुनिया को दिए जा रहे हैं, दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कह रहे दो बात कही, किसी दो बात हमने कह दी, दो बात हमने कह दी,
और किसी ने दो बात हमको सुना दी, तो दो बात कही और दो बात सुन ली। कुछ ऐसे पल रास्ते जो कुछ ऐसे पल रास्ते में हमें मिल गए हंसने वाले तो हंस लिए, और फिर कुछ ऐसे पल मिल गए जो व्यथित है उसकी है जो व्यथित है उसके साथ में व्यथित होकर हम भी रो दिए। कह छक कर मतलब होता है पेट भरकर। कह रहे हैं छक कर सुख दुख के घूंटों का, कह रहे हैं कि पेट भर हमने सुख भी देखा और दुख भी देखा। जब इससे पेट भर गया तो फिर हम एक भाव हो गए, सामान्य हो गए अपने जीवन में कि सुख दुख एक जैसा होता है। तो हम फिर एक भाव से पिए चले, मतलब एक भाव लेकर के हम अपने जीवन के मार्ग में प्रशस्त हो गए। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सिंदूर पर ले असफलता का भार चले। भगवती चरण वर्मा जी कहते हैं कि हम भिखमंगे हैं इस दुनिया में, इस दुनिया में हम भिखमंगे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों के पास कुछ भी नहीं। भिखमंगे का मतलब होता है भीख मांगने वाला, जिसके पास कुछ नहीं होता, केवल दूसरों की दी हुई चीजों को वो अपने पास रखता है। उसी तरीके से कह रहे हैं हम भिखमंगे हैं, हमारे पास इस दुनिया में कुछ नहीं, लेकिन अपना जो प्यार है वो हम स्वच्छंद बिना किसी लुभावनपन के बिना किसी कारण के हम ये प्यार उठाकर चले जा रहे हैं। हम एक निशानी सी उर मतलब होता माथे पर। कह रहे हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। ऐसा लग रहा है कि हम इस दुनिया में केवल असफलता का भार लेकर चले जा रहे हैं। कह रहे हैं अब अपना और पर आबाद आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कह रहे कि अब अपना और पराया मेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ जो रुकने वाला है वो हमेशा आबाद रहे। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम तो जा रहे हैं स्वच्छंद जीवन जीने, क्योंकि हम अपने ही बंधनों से बंधे थे और अब खुद अपने बंधन तोड़कर मुक्त होकर इस दुनिया से जा रहे हैं। ये भगवती चरण वर्मा जी की बहुत ही अच्छी कविता, जिसमें संसार के भाव भंगिमा को और संसार के गुण दोषों को कविवर ने यहाँ पर उकेरने की जो अथक प्रयास से जीवन में बहुत कुछ सिखाता है। इस तरीके से इस कविता का समाप्त और कुछ इसमें से कविता के प्रश्न अभ्यास हैं। कह रहे हैं कविते अन्य का उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है, तो आपको पता है हमने इसमें बताया है। फिर से कभी कुछ ऐसा लगता है कि समझ नहीं आया, तो आप लोग कमेंट जरूर करिए, ठीक है, और आपको हर चीज बताई जाएगी। हस्ती का मतलब अस्तित्व होता है, आलम मतलब दुनिया या माहौल होता है, स्वच्छंद मतलब अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला, ये सारे अर्थ हमने आपको बता दिए हैं। तो इस तरीके से आप फिर से मैं कह रहा हूं कि एक बार जो भी अध्याय देख रहे हैं उसको पूरा देखें, आपके मन में उठने वाले प्रश्नों का समाधान स्वतः हो जाएगा, और ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें ना बताया गया। और फिर भी अगर कुछ छूट रहा है तो आप कमेंट करिए, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, और हो सकता है कि आपके एक शेयर से लोगों का कुछ भला हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय।